राजस्थान की बीजेपी की सरकार जो है शिक्षा का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। वो एक तानाशाही फरमान लेके आई है कि जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनके मुख्य द्वार को जो है एक विशेष कलर से जो है रंगा जाएगा। उसके साथ साथ जो पिछली सरकार जो थी उसमें स्कूलों में जो साइकिल वितरित की गई थी उनको भी जो है अब भगवा करके जो है छात्र छात्राओं को बांटा जाएगा। साथ ही बेहद चिंताजनक स्थिति है कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार जो है शिक्षा का राजनीतिकरण करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसे छात्र छात्राओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज स्कूलों के अंदर विभिन्न जाति संप्रदायों धर्म के लोग पढ़ते हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन जो है खराब होती जा रही है, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रॉपर स्टाफ नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और देखते हैं कि बिल्डिंगें जो है वो जर्जर हो गई है, स्कॉलरशिप समय पे नहीं आ रही है, स्कूलों में भी जो है स्टाफ नहीं है, पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। सरकार इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को बांटने का काम कर रही है, राजनीति को और धर्म को और शिक्षा को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ये बेहद निंदनीय है। मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इस तरीके का कृत्य जो है बंद कीजिए, जो शिक्षा का जो राजनीतिकरण है उसको बंद कीजिए, नहीं तो NHOI आपके खिलाफ जो है मजबूती से लड़ेगी। धर्म हमारी संस्कृति, हम सबको जो है धर्म से प्यार है, हमारी संस्कृति से प्यार है, लेकिन शिक्षा को आप जो है राजनीति और धर्म से जो है दूर रखिए, तटस्थ रखिए, ताकि जो है हमारी जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसका समग्र विकास हो सके।